दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बारिश के बाद अब इतने बजे शुरू होगा मैच। जी हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले में जिस चीज का डर था वही हुआ। बारिश ने एक बार फिर से खलल डाल दिया है और दर्शकों का मजा किरकिरा कर दिया है। आखिरकार बारिश के बाद कितने बजे शुरू होगा मैच, तो वहीं कितने ओवर का ये पूरा मैच खेला जाएगा, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से खतरनाक कप्तान कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन शहर के स्काई स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहाँ पर मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे तो वही न्यूजीलैंड के समय अनुसार शाम के 7 बजे प्रारंभ होना था। लेकिन बारिश ने भारतीय समय अनुसार सुबह 11 बजे से ही मैदान पर अपना डेरा जमा लिया था, जिसके कारण मैदान गीला हो गया है और टॉस में देरी भी हो गई है, जिसके बाद बारिश रुकी और मुकाबला शुरू होने वाला था। लेकिन इस बीच बारिश के कारण मैदान गीला होने की वजह से अंपायर ने थोड़ी देर और रुकने को कहा, लेकिन ये सब्र का बांध टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब अंपायर मुआयना करने पहुंचे तो तुरंत बाद ही बारिश का दोबारा से आगमन हो गया और मुकाबला एक बार फिर से लेट हो गया और अब बारिश और भी ज्यादा तेज हो गई है, जिसके कारण मुकाबला प्रारंभ नहीं हो पाया और ना ही टॉस हो पाया और इसी कारण से अब मुकाबला 1 घंटे की देरी से वेदर रिपोर्ट के अनुसार शुरू होने वाला है और मुकाबला 18 ओवर का दोनों तरफ से हो सकता है और टॉस जीतने वाला कप्तान पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेकर विरोधी टीम को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश भी करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज कर सकती है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।